इस वीडियो में हम 3-टाइम की चैंपियंस पटना पायरेट्स एंड डिफेंडिंग चैंपियंस पुनेड़ी पलटन के रिटेन प्लेयर्स के बारे में जानने वाले, आखिर कौन कौन से प्लेयर्स को रिटेन करने वाली है दोनों ही फ्रेंचाइजेस। आइए इस वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं। शुरुआत करते सबसे पहले पटना पायरेट्स के साथ। तो पटना पायरेट्स के एग्जिस्टिंग NYPs में 3 खिलाड़ी हमें देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले सुधाकर एम, फिर कुणाल मेहता एंड आखिरी में अभिनाथ सुभाष देखने को मिल जाएंगे। 2 रेडर है एंड एक डिफेंडर है। सुधाकर 19 मैच में 103 रेड पॉइंट स्कोर किए। कुणाल मेहता ने 2 मैच में एक भी पॉइंट स्कोर नहीं कर पाए। सेम अभिनाथ सुभाष का भी है, 1 मैच खेले एंड एक भी पॉइंट स्कोर नहीं किए, जिसमें सुधाकर ही एक अच्छे प्लेयर है जो इस सीजन दोबारा अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तीनों ही प्लेयर्स का एक्सपेक्टेड इस बार का रिटेंशन सैलरी 9 से 10 लाख होने वाला है। अब बात करते हैं रिटेन यंग प्लेयर्स के बारे में। तो एक मनीष करके प्लेयर थे जो रिटेन होते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस बार इनको रिटेन किया जाएगा, परफॉर्मेंस उस तरीके का नहीं दे पा रहे। तो मुझे लगता है कि RYP से कोई भी खिलाड़ी रिटेन नहीं होगा। वहीं पे एलीट प्लेयर्स की बात की जाए तो एलीट प्लेयर्स में बहुत सारे प्लेयर्स हमें देखने को मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्लेयर के साथ। तो सबसे पहले हमें देखने को मिल जाएंगे सचिन तन्वर, जो कि रेडर है। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया था पिछले सीजन। कैटेगरी ए में थे एंड इस बार भी कैटेगरी ए में ही रहेंगे। 22 मैचेस में 171 रेड पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया। पिछले सीजन भी इनको रिटेन किया गया था एंड इनका जो रिटेंशन सैलरी था पिछले सीजन वो था 89.10 लाख एंड इससे ज़्यादा ही मिलेगा। आप कह सकते हो कि 1 करोड़ का जो मार्क है वो सचिन तन्वर इस सीजन टच कर देंगे अगर रिटेन होते हैं तो। दूसरे खिलाड़ी की बात की जाए तो दूसरे खिलाड़ी हो गए संदीप कुमार, जो कि एक बहुत ही अच्छे प्लेयर है। अपने डेब्यू सीजन में ही काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया। ऑक्शन में पटना पायरेट्स की टीम ने इनको सिर्फ 9 लाख में खरीदा था एंड क्या ही परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया। 20 मैच में 86 रेड पॉइंट स्कोर किए। अब आप ओवरऑल आंकड़े देखोगे तो आपको ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपको पता होगा बड़े बड़े मैचेस के आखिरी कुछ मिनटों में अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दिखा के टीम को जिताया है। अगर आपने पटना पायरेट्स के सभी मैचेस देखे तो आपको पता ही होगा एंड इस सीजन इनको कैटेगरी बी में रखा जा सकता है। अगले खिलाड़ी की बात की जाए तो अगले खिलाड़ी है क्रिश्चियन धुल, जो कि एक बहुत ही अच्छा परचेस था पिछले सीजन के ऑक्शन में। राइट कॉर्नर पोजीशन के डिफेंडर है एंड इनको ऑक्शन में 17.20 लाख में पटना पायरेट्स की टीम ने खरीदा था। 24 मैचेस में 78 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया। कैटेगरी सी के डिफेंडर थे पिछले सीजन एंड इस बार कैटेगरी ए के डिफेंडर होने वाले हैं क्रिश्चियन धुल। एंड आखिरी प्लेयर की बात की जाए तो आखिरी प्लेयर है अंकित जागलान, जिन्हें ऑक्शन में पटना पायरेट्स की टीम ने पिछले सीजन खरीदा था। 31.50 लाख में खरीदा था एंड कैटेगरी डी के ऑलराउंडर थे एंड अब आ जाएंगे कैटेगरी बी में। देखा जाए तो लेफ्ट कॉर्नर पोजीशन के डिफेंडर है, रेटिंग ज़्यादा नहीं करते लेकिन डिफेंस में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। 23 मैचेस में 66 टैकल पॉइंट स्कोर किया। अपना पहला सीजन खेल रहे थे एंड काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ भी की, काफ़ी ज़्यादा एडवांस टैकल्स किए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस बार वो इम्प्रूव करेंगे एंड अगर ये इम्प्रूव कर लिए तो और भी बेहतरीन डिफेंडर अंकित जागलान हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है पटना पायरेट्स के रिटेंशन क्या हो सकते हैं? जो मैंने आपको 7 प्लेयर्स का लिस्ट बताया, आप सहमत हो कि नहीं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। एंड 6 जुलाई से शुरू हो जाएगा क्रिकेट का एक्शन दोबारा। इंडिया दौरा करने वाली है जिम्बाब्वे का, 5 T20I की सीरीज खेलने वाली है एंड इस मैचेस के प्रेडिक्शन आपको राजा क्रिकेट एनालिस्ट टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगा। आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देने वाला हूं, जाइए बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर लीजिए। बाकी T20 लीग्स के भी प्रेडिक्शन आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं डिफेंडिंग चैंपियंस पुनेड़ी पलटन के बारे में। पुनेड़ी पलटन के बहुत सारे प्लेयर्स रिटेन होने वाले हैं, बिकॉज पुनेड़ी पलटन का टीम ही ऐसा क्रिएट हुआ है, एक एक प्लेयर को छोड़ने वाली नहीं है। देखा जाए तो सबसे पहले एग्जिस्टिंग NYPs की बात कर लेते हैं तो 4 खिलाड़ी हो गए। सबसे पहले नितिन मलिक, दादासु पुजारी, वैभव कांबले एंड तुषार अधावडे देखने को मिल जाएंगे। नितिन मलिक रेडर है, दादासु पुजारी राइट कॉर्नर के डिफेंडर, वैभव कांबले लेफ्ट कवर के डिफेंडर एंड तुषार अधावडे राइट कवर पोजीशन के डिफेंडर है। चारों प्लेयर्स को आधा मौका नहीं मिला। नितिन ने 4 मैच खेले, 1 भी पॉइंट स्कोर नहीं किए। दादासु पुजारी 5 मैच में 6 टैकल पॉइंट स्कोर किए। वैभव ने 2 मैच में 3 टैकल पॉइंट्स एंड तुषार अधावडे ने 6 मैच में 3 टैकल पॉइंट स्कोर किया है। चारों प्लेयर्स का एक्सपेक्टेड रिटेंशन सैलरी इस सीजन 9 से 10 लाख के बीच में होने वाला है। अब बढ़ते हैं RYP की तरफ, जिसे आप रिटेन यंग प्लेयर कह सकते हो। अब इसे एक एक लेवल की तरह समझते हैं। सबसे पहले कैटेगरी ए प्लेयर के बारे में बात करते हैं। तो RYP के अंडर कैटेगरी ए में जो रिटेन हो गए वो है असलम इनामदार।
कप्तान पुनेड़ी पलटन के रिटेन होते हुए दिख जाएंगे। कैटेगरी ए में थे एंड इस बार भी कैटेगरी ए में ही हो गए। 23 मैचेस में 142 रेड पॉइंट्स एंड 26 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया एंड अगर रिटेन हो जाते तो चौथा सीजन स्ट्रेट खेलने वाले हैं पुनेड़ी पलटन की टीम से एंड इनको पिछले सीजन पुणे की टीम ने रिटेन किया था 37.50 लाख में। अब बढ़ते हैं कैटेगरी बी की तरफ। तो कैटेगरी बी में आरवाईपी के अंडर रिटेन होते हुए दिख जाएंगे सबसे पहले पंकज मोहिते जो कि अच्छे रेडर है एंड अच्छा परफॉर्मेंस पिछले सीजन दिखाया। कैटेगरी सी में थे एंड अब लगता है कि कैटेगरी बी में इनको डाला जाएगा। 22 मैचेस में 96 रेड पॉइंट्स एंड 14 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया एंड अपना पांचवा स्ट्रेट सीजन खेलते हुए दिख जाएंगे। अब पता नहीं इनको इलीट में भी डाल सकते हैं बिकॉज पांचवा सीजन इलीट में होता है। अगर आरवाईपी में भी रिटेन हुए तो कोई दिक्कत नहीं है। इनको रिटेन किया गया था पिछले सीजन 25 लाख में। दूसरे खिलाड़ी है मोहित गोया जो कि काफी यंग एंड अच्छे रेडर है। पिछले सीजन कैटेगरी बी में थे एंड इस बार भी इनको कैटेगरी बी में रखा जा सकता है। 22 मैचेस खेले इन 22 मैचेस में 122 रेड पॉइंट्स एंड 29 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया। अपना चौथा सीजन स्ट्रेट खेलते हुए दिख जाएंगे एंड इनको भी 25 लाख में रिटेन किया गया था पिछले सीजन। एंड तीसरे प्लेयर कैटेगरी बी के अंडर रिटेन हो सकते हैं वो है आकाश शिंदे जो कि अच्छे रेडर है, यंग रेडर है एंड कैटेगरी बी के रेडर है। इस बार भी कैटेगरी बी में ही आ सकते हैं। 13 मैचेस में 56 रेड पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया एंड इनका भी रिटेंशन प्राइस 25 लाख ही था पिछले सीजन एंड अपना चौथा स्ट्रेट सीजन खेलते हुए दिख जाएंगे। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आरवाईपी का रूल हमें पता नहीं है कि कैटेगरी बी से मैक्सिमम कितने प्लेयर्स रिटेन हो सकते। अगर दो का ही होगा तो पंकज मोहित एंड आकाश में से सिर्फ दो ही प्लेयर्स रिटेन हो सकते हैं। अब देखते क्या होता है, अगर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है तो तीनों ही खिलाड़ी रिटेन हो गए। एंड कैटेगरी सी से एक प्लेयर रिटेन होता हुआ दिख जाएगा जो कि डिफेंडर है, वो है संकेत सावंत। संकेत सावंत लेफ्ट कवर पोजीशन के डिफेंडर है एंड अपना पांचवा स्ट्रेट सीजन खेलते हुए दिख जाएंगे पुनेड़ी पलटन के टीम से अगर रिटेन हुए तो। पिछले सीजन की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 22 मैच में 32 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया। इनको रिटेन किया गया पिछले सीजन 14 लाख में एंड अगर रिटेन होना चाहते संकेत सावंत तो डेफिनेटली पुनेड़ी पलटन की टीम इनको रिटेन करेगी। अब फटाफट बढ़ते हैं इलीट प्लेयर्स की तरफ जिसे आप ईआरपी भी कह सकते हो। सबसे पहले खिलाड़ी हो के गौरव खत्री जो कि राइट कॉर्नर पोजीशन के डिफेंडर है। पिछले सीजन इन्होंने 24 मैचेस में 69 टैकल पॉइंट स्कोर किया था जिसके कारण मुझे लगता है कि इनका कैटेगरी अप होगा। कैटेगरी सी से अब आ जाएंगे कैटेगरी ए की तरफ। पिछले सीजन इनको रिटेन किया गया था 17.40 लाख में एंड इस बार भी रिटेन होते हुए दिख जाएंगे गौरव खत्री। दूसरे प्लेयर की बात की जाए तो दूसरे प्लेयर हो गए अभिनेश नदराजन जो कि राइट कवर पोजीशन के डिफेंडर है। 24 मैचेस में 57 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया था एंड इसके कारण इनका कैटेगरी अप होगा। कैटेगरी सी से कैटेगरी बी में आ सकते हैं एंड इनको भी रिटेन किया गया था 17.40 लाख में। ये दो खिलाड़ी मुझे लगता है कि इलीट प्लेयर्स रिटेन हो गए। ओवरऑल पुनेड़ी पलटन की टीम 11 प्लेयर्स को रिटेन करते हुए दिख सकती है। 4 प्लेयर्स तो कंफर्म है, आरवाईपी से 5 प्लेयर्स तक रिटेन हो सकते हैं। अब आपको क्या लगता है कौन कौन से प्लेयर्स को पुनेड़ी पलटन की टीम रिटेन करेगी एंड आप कितना सहमत हो इस प्लेयर्स के लिस्ट से आप कॉमेंट करके जरूर बताएगा। एंड अभी फिलहाल के लिए प्रो कबड्डी का ऑक्शन कब होने वाला है इस पर एक पॉजिटिव अपडेट आया है, वो जानने के लिए आप लेफ्ट साइड पे क्लिक करके देख सकते हो एंड राइट साइड पे चैनल का लेटेस्ट वीडियो शो हो रहा होगा वो आप देख सकते हो, उस पर क्लिक करके। मिलते हैं उसे वीडियोज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।